हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाई फाई स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के सामने एक खबर लेकर के आपके समक्ष आ चुका हूं। 35,270 पोस्ट के एडमिट कार्ड के सामने जो खबर हमें अभी अभी प्राप्त हो रही है, हम पूरी जानकारी आपको एडमिट कार्ड के संबंध देते हैं जो बड़ी खबर प्राप्त हो रही है। लेकिन उससे पहले चाहेंगे चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में लगे बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी सूचना जो कि NTPC 2019 के संबंध में हो सबसे पहले आपको राहुल वाई फाई स्टूडियो चैनल के माध्यम से जरूर प्राप्त हो सके। इन सब सूचनाओं के बीच में आपको छोटी सी सूचना देना चाहता हूँ, अगर आप घर बैठे अपने मोबाइल से डेली 1,000 रुपये तक का इनकम करना चाहते हैं तो आपको एक ऐप का डाउनलोड करना होगा। उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए मैं आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे और उसको आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपके इनकम में उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और उससे भी एक अच्छी खबर यह है कि वहाँ पर एक रेफरेंस कोड भी दिया गया होगा, उस रेफरेंस कोड को आप जितना यूज करोगे उतना ज़्यादा ही आपको डेली बेनिफिट 200 रुपये के अतिरिक्त हो सकते हैं। तो ये खबर थी मित्रों, एक छोटी सी सूचना थी। अगर आप ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो उस ऐप को जरूर जा करके वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, हमारे प्रथम कमेंट में भी आपको ये मिल जाएगा। चलिए अब लेते हैं पूरी खबर जो अभी प्राप्त हो रही है हमें। ये खबर आप देख सकते हैं प्राप्त हो रही है हमें, RRB NTPC एडमिट कार्ड 2019 लाइव अपडेट। एडमिट कार्ड पर चेक कर लिए जानकारी, नहीं तो एग्ज़ाम देना हो सकता है मुश्किल। अब पूरी खबर देख लेते हैं आप। रेलवे भर्ती के प्रत्येक टेस्ट बैटरी में छात्रों को पास होने के लिए न्यूनतम 42 अंक लाने होते हैं। ज्ञात हो कि न्यूनतम अंक में SC ST OBC एक्स सर्विसमैन श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कोई छूट नहीं है। ये देख सकते हैं आप 12:36 की खबर है, 14 जून, है ना। अब आगे की खबर ले लेते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं मित्रों, RRB NTPC की परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। बोर्ड CBT 1 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। नौकरी पाने के लिए स्टूडेंट के लिए 2 CBT से गुजरना होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फर्स्ट और सेकंड होगा। पहले CBT एग्जाम पास होने वाले कैंडिडेट को ही अगले CBT में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। रेलवे में कुल 35,270 पदों पर परीक्षा के आयोजन करा रहा है। परीक्षा के एडमिट कार्ड के संबंध में रेलवे की रीजनल वेबसाइट पर आप जारी किए जाएंगे, यहाँ क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आगे खबर जो है देख सकते हैं आप, 42 अंक लाने होंगे। आप देख सकते हैं जो यहाँ से पूरी खबर है, EWDS PW SC ST OBC में किसी भी प्रकार कोई से छूट नहीं है, सबके लिए जो है 42 नंबर लाना अनिवार्य है मित्रों। अब यहाँ से खबर दे सकते हैं किन पदों पर भर्तियाँ हैं, ये भी आप जानते ही हैं। एडमिट कार्ड के संबंध में आप खबर यहाँ दे सकते हैं, एग्जाम के एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले ही घोषित किए जा सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड अपनी मुख्य आधिकारिक वेबसाइट से अलावा RRB सभी रीजनल पर CBT परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करेगा। अब यहाँ से खबर से सितंबर में हो सकता है एग्ज़ाम, बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सितंबर में ये एग्ज़ाम आपका हो सकता है, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस का एग्ज़ाम। जानते हैं आप पैरामेडिकल जो है सेकंड वीक आप अपने जुलाई में शुरू हो रहा है, उसके बाद ही एग्ज़ाम होगा। अगली खबर दे सकते हैं, आज जारी किया जा सकता है एडमिट कार्ड के संबंध में पूरी सूचना एग्ज़ाम के संबंध में। तो यहाँ से खबर आप दे सकते हैं, RRB NTPC 2019 एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड 14 जून यानी आज जारी किया जा सकता है। भारतीय रेलवे बोर्ड NTPC 2019 भर्ती के जरिए गुड्स गार्ड्स, ट्रैफिक अप्रेंटिस, ट्रैफिक असिस्टेंट, स्टेशन मास्टर सहित कई पदों पर भर्ती करेगा। तो ये बड़ी संभावना जताई जा रही है कि एडमिट कार्ड आज जाऊँ आपका जो है डाउनलोड हो सकता है। उसके समय जानकारी आपको दी जाएगी, एडमिट कार्ड आपका कब से डाउनलोड होगा, डाउनलोड करने के नियम आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप जैसे जैसे लिंक पर जाकर के वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं मित्रों। तो ये खबर थी पूरी आप देख सकते हैं। और कितने चरणों से, अगर आप उस चीज़ को नहीं जानते कि कितने चरणों को आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, तब यहाँ से देख सकते हैं, CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा और DB टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा आपको। सभी परीक्षाओं के बाद ही अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा और योग्यता के आधार पर आपकी नौकरी दी जाएगी मित्रों। तो आप देख सकते हैं जो 42% अंक लाना है मित्रों, आप यहां से खबर दे सकते हैं जो पूरी खबर है EWS के संबंध में, मेरिट के आधार पर मिलेगी नौकरी। तो पूरी खबर ये थी, मेडिकल टेस्ट के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये पूरी खबर। हमें और भी कोई खबर प्राप्त होती है तो आप तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे राहुल वाई फाई स्टूडियो चैनल के माध्यम से। तो खबर अच्छी लगे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। आपका जो प्रोसेस दिया है एग्ज़ाम का देख सकते हैं, 100 क्वेश्चन हो गए आपके 90 मिनट के लिए, है ना, पूरी जानकारी। धन्यवाद।